ट गुरु नानक भवन मिस्टर शेखर सुमन तो चलिए उनसे मिलते हैं कि आज वो लुधियानवीज़ के लिए क्या स्पेशल लेकर आए हैं हेलो सर वेलकम टू टाइम्स पंजाब टी थैंक यू सो मच सर सबसे पहले ये बताइए आपका पंजाब में कौन सा विजिट है लुधियाना पहले भी आ चुका है नाइस वेरी नाइस आई थिंक हर uh, शहर का मिजाज जो है वो अलग रहता है वहाँ के लोग अलग रहते हैं तो कुछ हमेशा नई लोगों से नए लोगों से मुलाकातें होती हैं इस बार uh, हम आए हैं एक प्ले लेके जिसका नाम है एक मुलाकात okay. और इट्स बेस्ड ऑन टू ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक माइंड ऑफ इंडिया टू आइकॉनिक पोइट्स ऑफ इंडिया साहिलानवी साहब और अमृता प्रीतम जी और ये ये एक इतफाक़ी है कि साइड साहब यहीं से थे और आ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उनकी ही सरजमीन पे मैं उनके ही शहर में परफॉर्म करने आया हूँ मेरी बड़ी ये ख्वाहिश थी कि मैं शुरुआत प्ले करूँ मेरा फ़र्स्ट परफॉर्मेंस जो हो वो लुधियाना से शुरू हो उनके कॉलेज में जो उनके नाम से रखा गया जो ऑडिटोरियम है पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं पर दे रहा है दुरुस्त बट इवेंचुअली वी आर परफॉर्मिंग एट लुधियाना इट्स इट्स माय ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी एय सो यू आर एक्टर डायरेक्टर सिंगर कॉमेडियन इतने रोल्स आप प्ले करते हैं तो जस्ट एन एक्टर और एक्टर okay. के ही जैसे एक पेड़ होता है उसकी कई शाखाएं होती हैं okay. और एक एक्टर में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं जिसको वो एक्सप्लोर करता है okay. आ, जैसे अभिनय में नौ रस होते हैं तो वो कुछ और नहीं बन जाता है वो Uh, वो सिर्फ़ एक्सप्लोर करता है अपने लेटर टैलेंट को सो बेसिकली एम एन एक्टर और uh, मैं अपने विधाओं को अपने क्राफ्ट को चाहे वो रुलाने की कला हो या हंसाने की कला हो या कुछ और मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ एज एन एक्टर आई थिंक इज़ पार्ट ऑफ माई जर्नी ऑफ बींग एन एक्टर एंड एज दे से वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर लेकिन एक एक्टर एक के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं और हर कलाकार को उन ख़ूबियों को तलाशना होता है

उन उन उनके उनके शेरों में उनके नजमों में एक बड़ी अलग सी बात थी कि वो जो अमूमन जैसे शायर होते हैं और जो मोहब्बत और इश्क पे लिखते हैं वो उसम उस की शायरी नहीं करते थे और वो ज़माने से हट के और ज़माने के ख़िलाफ़ भी लिखा करते थे वो परेशान थे कि जिस तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो एक ढर्रे पर चल रही है और जो जो सियासी ताकतें हैं और जो जिस तरह से आवाम को उन लोग एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उसके खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी उन्होंने लिखा कि ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं और उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए तो यह थे हमारे साथ फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटी शेखर सुमन जी जो यहाँ लुधियाना आए हैं किसी शो के लिए कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा टाइम्स पंजाब टीवी